नमस्कार, आप देख रहे हैं इजी शिक्षा। मैं हूं आपके साथ वंशिका चौहान और आज हम आपको एक सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका टाइटल है वेइंग द एलिफेंट। बहुत समय पहले की बात है, चीन में रहने वाले लोग जानते थे कि हाथी नामक एक अजीब अद्भुत जानवर पूरे देश में रहता था, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा था। एक दिन एक शासक चीन के सम्राट से मिलने आया। वो एक उपहार लेकर आया और वो उपहार एक वास्तविक जीवित हाथी था। चीन में कभी किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। जैसे ही शाही मेहमान चले गए, अदालत में कोई भी इस बारे में बात कर सकता था। ये हाथी तो पानी की भैंस से भी ज्यादा बड़ा है, एक मंदारिन ने कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो, एक सेकंड ने कहा। ये एक राइनो से भी बड़ा है, अरे आप मजाक कर रहे होंगे, तीसरे ने कहा। ये हाथी तो दो गैंडों से भी बड़ा है। एक दिन सम्राट ने अपने मंदारिनों से कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस अद्भुत हाथी का वजन कितना है, मुझे कौन बता सकता है कि इसे कैसे तोलना है। मैं कर सकता हूँ महाराज, पहले मंदारिन ने कहा, जो एक व्यापारी हुआ करता था। हम इसे सिर्फ एक पैमाने पर रखेंगे, संभावना नहीं है, सम्राट ने कहा। ऐसा कोई पैमाना नहीं जो बिना टूटे हाथी का वजन पकड़ सके। मैं आपको बता सकता हूँ, दूसरी मंदारिन ने कहा, जो एक दर्जी हुआ करती थी। उसने कहा, हम हाथी को नापेंगे। नहीं, सम्राट ने आह भरते हुए कहा, यहाँ तक कि अगर आप एक हाथी के सभी अलग अलग हिस्सों को मापते हैं, तब भी आपको नहीं पता होगा कि इसका वजन आखिर है कितना। मैं आपको बता सकता हूँ महाराज, तीसरे मंदारिन ने कहा, जो एक बेकर हुआ करता था। हम हाथी को काट कर पकाएंगे, तब हमें पता चल जाएगा। हम निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेंगे, सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा। क्या कोई नहीं है जो मुझे बता सके कि इस हाथी का वजन आखिर है कितना। तब एक छोटी सी आवाज ने कहा, मैं कर सकता हूँ। सबकी निगाहें आवाज पर जा टिकी। ये सम्राट का बेटा था। बेटा, सम्राट ने कहा, आपको बिस्तर पर होना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कैसे, लड़के ने कहा, और हमें इसे पहले पकाने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत अच्छा, सम्राट ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। चलो अब जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर हाथी का वजन कैसे तौलना है। तब लड़के ने बताया कि आखिर करना क्या है। लड़के ने कहा, आप हाथी को एक बड़ी सी नाव में बैठाकर नाव को पानी पर निकाल दो। नाव के किनारे पर एक रेखा खींचिए जहां वो पानी से मिलती है, वॉटर मार्क पर। फिर नाव को वापस किनारे पर ले आओ और हाथी को नाव से उतारो। नाव पर एक एक करके चट्टाने डाले। जब नाव उसी वाटरमार्क लाइन पर डूब जाती है जब हाथी उसमें था, तो नाव को फिर से किनारे पर ले आओ, चट्टान को बाहर निकालें और एक एक करके उसका वजन करें। तब हमें पता लग जाएगा कि हाथी का वजन आखिर कितना है। अद्भुत, बहुत अद्भुत, सभी ने चिल्लाया। ये काम करेगा, पहले मंदारिन को बुलाया। क्या चतुर योजना है, दूसरे मंदारिन ने कहा। कौन जानता था कि आखिर ये बच्चा इसका निवारण कर देगा, तीसरे मंदारिन ने कहा। और बादशाह के बेटे की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी शिक्षा को। धन्यवाद।